नरसिंह मेहता के घर पर एक पूजा होनी थी। बड़े संत महात्मा थे, निरंतर भगवान का नाम लेते रहते। उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया, पूजा की कुछ सामग्री घी इत्यादि लेके आओ। घी लेने वो चले गए। रास्ते में देखा कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन को देखकर आकर्षित होकर उन्हीं के बीच कीर्तन करते हुए मग्न हो गए। समय का अनुसंधान नहीं रहा। बहुत विलंब के पश्चात जब कीर्तन समाप्त हुआ तब वो पुनर्जागृत होकर समझे कि अरे, मैंने तो घरेलू उत्तरदायित्व की उपेक्षा कर दी। ऐसा सोच के भागे भागे गए। घी लेकर घर पे आए, बड़े भयभीत थे कि पत्नी क्या कहेगी। पत्नी ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और कहा कि आप कितने कृपालु और दयालु हो, उचित समय पर आपने अपने नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से घी भिजवा दिया। श्यामल वर्ण का बड़ा सुंदर व्यक्ति आया था और उसने हमारे लिए घी दे दिया। नरसिंह मेहता जी समझ गए कि वो भगवान का नाम जब ले रहे थे तो भगवान स्वयं इस उत्तरदायित्व को अपने सर पर लेकर यहाँ आए, और उन्होंने उचित मात्रा में घी घर पर समर्पित कर दिया। वो भगवान के प्रति कृतज्ञ और कृतार्थ हो गए। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधु नाम ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान भागवत में वर्णन करते हैं दुर्वासा मुनि को कि मैं अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनके लिए हर प्रकार से कार्य करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। आइए निरंतर भगवान का चिंतन करें, मनन करें, स्मरण करें और समझें कि ऐसे मनन, चिंतन और स्मरण की शक्ति ये कि 33 कोटि देवताओं को नियंत्रण करने वाले सर्वशक्तिशाली भगवान, जो कि आनंदघन, ज्ञानघन, चिदघन हैं, वो ऐसे भक्त के निरंतर चिंतन से उनके वश में आकर उनकी सेवा में लग जाते हैं। कभी ये न सोचें कि भगवान के स्मरण और चिंतन में समय व्यर्थ जा रहा है। ये वास्तव में समय का श्रेष्ठतम सदुपयोग है और इसके माध्यम से हम सबसे शक्तिशाली इस जगत के तत्व भगवान को वशीभूत कर लेते हैं।